अस्सलाम वालेकुम, मैं हाँ नासिर अब्बास, तुसी मेरे प्यो डेली व्लॉग 07 क्या रहे दोस्तों। उम्मीद करांगे जी तुसी बिल्कुल खैरियत नाल होवो। हाँ जी दोस्तों, जनाब अज बकरा हलाल किया, असी दम भुख पकावांगे जी, नूं विच चावल भी भरांगे। तो अज का व्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है, साडी वीडियो के नाल जुड़े रहे। जिन्हें मेरे भरावां मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्दी नाल मेरा चैनल सबसक्राइब भी कर लो, लाइक तो शेयर भी कर लो। आज का बहुत प्यारा मज़ेदार भी लोग। हाँ जी, बकरा हलाल करके जनाब अद्धी खालिस दी उतर गई, अद्धी रह गई, ये उतार के तो फिर तुम मिलने जी। हाँ जी, बकरा जनाब इसकी खाल उतार दीती है, तो माशाल्लाह जनाब फट्टा धो दिता जनाब, तो इन उत्ते बकरा रख दिता। इस अच्छी तरह इतने जनाब वाश करने हैं, तो फिर मिलने हैं जनाब दूसरे कटे। हाँ जी, माशाल्लाह बकरा सारा वाश कर लिया, तो जिते जिते टक लाने सन छुरी नाल वो भी तू कट ला दिते ने, तो बिल्कुल अच्छी तरह वाश कर लिया। हुण इसनों जनाब मिसाला बनाने, मिसाला इन उत्ते लावांगे, तो अगला स्टेप फिर तुम बाद भी खाने। हाँ जी, हुण मिसाला तैयार कर रहे हैं जनाब, इंदे विच दही पा दित्ती, हल्दियाँ, दड़ा मिर्च और दड़ा धनिया, गरम मिसाला, नमक इस बर्तन पा के, तो हुण जनाब ये फ्रेश नींबू ने अपने घर दे जनाब विच निचोड़ांगे, उस तो बाद फिर बकरे नूं सारा मिसाला ला के 2 घंटे वास्ते रख देवांगे जी। हुण अगला स्टेप तुहानूं विखाना जी, रुक पहले जनाब मैं मिसाला ला लूँ। हाँ जी, इन्हें मिसाला ला के बकरे नूं जनाब रख दिता है, तो हुण चावल उबैल कर लेने, वो विच पैने इस इत्थे प्लेट विच, फिर सिलाई करके तो फिर उस तो बाद इन्हें पकावांगे। तो चलो जी, तुहानूं अगला प्रोसैसर विखावे। माशाल्लाह जी, विच मेवे जे अथी पा दिते, तो चावल उबैल हो गए, हुण इहदे बकरे दे पेट विच पावांगे जी। हाँ जी, माशाल्लाह जनाब बकरे दे अंदर चावल पा दिते ने इहदे पेट विच, ते हुण जनाब इहदी सिलाई कर दिंदे आ। ये आ गया जनाब सूई धागा, इस नाल अच्छी तरह सिलाई कर दिंदे आ, उस तो बाद फिर तुहानूं मिलदा। हाँ जी, माशाल्लाह जनाब पेट इहदा अच्छी तरह धागे नाल सीड़ दिता, इहदे अंदर चावल भर के, ते इस तो बाद जनाब हुण इहनूं लै वैने आ जनाब पतीले विच रखांगे, वो तुहानूं प्रोसैसर भी करना। हाँ जी जनाब, पतीला चाड़ दिता, इहदे विच इक जाली रखी है और विच पानी पा दिता। इस तो बाद जनाब ना टमाटर, मिर्चें, प्याज इहदे विच सुट देवांगे। हाँ जी, पतीले दे विच रख दिता जनाब बकरा, ते हुण इहदे थल्ले अग बाल दित्ती, अब जो है ना इहदे उत्ते वधन दे देणी। हाँ जी, माशाल्लाह पतीला उतार लिया जनाब, ते इहदा बकरे दी ना साइड चेंज करने आ, ते माशाल्लाह काफ़ी गल गई है। ये वेखो इहदी साइड चेंज करने आ, दूसरे रुख करने आ, ते इंशाल्लाह जिहड़ा ना और घंटे डेढ़ तक करना फुल मिलिया मेट हो जासी। बड़ा मज़ा सी, खुशबू बहुत प्यारी आती पई है जनाब। हाँ जी, ये जनाब इन उत्ते आटा ला देने कनिया ते, ताकि इनकी भाप बाहर ना निकले, ते उस तो बाद जनाब 1.5 घंटा एक और इनू देवांगे जनाब दम, ते माशाल्लाह जी ये रेडी हो जासी और खावण इक माशाल्लाह क्या ही बात हो। हाँ जी, माशाल्लाह पतीले दे साइड तो ना आटा वगैरह ला के तो उत्ते वधन दे के दम ते ला दिता, और एकदम इंशाल्लाह जो 1.5 घंटे का ला दिता, 1.5 घंटे बाद फिर पकांगे, फिर देखांगे नज़ारे। तो उम्मीद है जी आज की वीडियो तुहानूं अच्छी लग सी, साडी वीडियो दे नाल जुड़े रहो जी। माशाल्लाह उतार लिया जी, तो हुण जनाब ना इहदा दम पट्टण लग्गिआ, क्योंकि साइडां ते आटा है ते ये ढक्कण नहीं चुकदा, इहनू छुरी नाल पट्टणे आ जी।
हाँ जी दम पुटिया गया। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू और बिल्कुल मुलायम हो गया। बिल्कुल मुलायम माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। हूँ इन भी चुकड़ने माशाल्लाह जी दस्तरखान लग गया और दस्तरखान ते आ गया ते वेखो जी हड्डियाँ अलहदा अलहदा हो गई। साथ में रहता हाँ जी माशाल्लाह जी ये उनका धागा पेट वाला कटिए धागा निकल आया। इस तो बाद जनाब जबरदस्त चावल क्या बात है जी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। माशाल्लाह जबरदस्त लाजवाब। हाँ जी दोस्तों उम्मीद करने हैं जी आज की वीडियो थोड़ी अच्छी लगी उसी ए अज की वीडियो का एंड कराने अपनी दुआवों सू जरूर याद रखे। अल्लाह हाफिज़।